यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट का री एग्जामिनेशन 21 अगस्त को होने वाला है। अब इसके लिए हार्डली 2-3 दिन बचे हुए हैं। अब इन 2-3 दिनों में तुम्हें क्या परफेक्ट फुटस्टेप्स लेने होंगे इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन, उस पे आज मैं बताने वाला हूँ सारा का सारा प्रोसेस। देखो बहुत छोटा सा प्रोसेस होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है, तो तुम जल्दी से पेन पेपर निकाल सकते हो फॉलो करने के लिए, और चाहो तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। जहां पे भी क्वेरी क्वेश्चन आ रहा है उसको तुरंत कमेंट्स में लिख दो, मैं सारे के सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस तुरंत आंसर कर दूंगा। अच्छा, अगर तुम यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, क्योंकि अब इसके लिए भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। इस एग्जाम के लिए भी बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, हार्डली यहां से तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीने है इस एग्जाम के लिए, और जो जून अटेम्प्ट है उसका एग्जाम तो तुम्हारे सर पे आ ही चुका है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा 21 अगस्त वाला एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, इन दैट केस मैं तुम्हें डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा कि तुम उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करो, उस पर फोकस करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एकदम मुद्दे की बात से। अब यहां से तो तुम्हें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, फर्स्ट अब जितने भी दिन बचे हैं मेक श्योर करो हर दिन पे तुम कोई ना कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, मिनिमम 1 मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्लस उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो। अगर तुमने सिर्फ मॉक टेस्ट दिया है उसकी एनालिसिस नहीं की है कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा। 100% मेक श्योर करो मॉक्स देना है फ्रॉम नाउ टिल एग्जाम, एवरी सिंगल डे 100% मैंडेटरी है। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो हो सकता है तुम्हारे पास मॉक्स की कमी हो या तुम्हें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ना मिल रही हो मॉक्स में, तो हम लोग ने कुछ फ्री मॉक्स यानी कि ओपन मॉक्स रख दिए हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके थ्रू तुम एक्सेस कर सकते हो उन मॉक्स को जो फ्री है तुम सबके लिए, तुम सारे यूजीसी एस्पिरेंट्स के लिए। तो जल्दी जल्दी जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उससे मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब जब तुम इन मॉक्स को दोगे तो तुम्हें 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है बहुत ही स्ट्रांगली। अब इसमें तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा तुम्हारे स्ट्रांग एरियाज क्या है। अभी हो सकता है तुम्हें फील होता हो कि टोटल 10 सब्जेक््स आने वाले हैं, उनमें से 3-4-5 सब्जेक्ट्स जो है तुम्हारे बहुत ज़्यादा वीक हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं कहीं पे, या कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह का परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस पॉइंट पे तुम्हें सिर्फ 2 कैटेगरीज में उसे रखना है, स्ट्रांग या वीक, या तो वो स्ट्रांग है या तो वीक है। अगर वो स्ट्रांग है तो मेक श्योर करो कि तुम उसे सुपर स्ट्रांग कर ले रहे हो, मतलब उसे अनबीटेबल कर ले रहे हो। इसी से मैं आ जाता हूं अपने सेकेंड पॉइंट पे जो तुम्हें फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एक दूसरे वीडियो में वेटेज बताया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, यानी कि जो तुम्हें 10 सब्जेक्ट्स आने हैं उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हो सकता है तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट्स अभी कम्प्लीटली कवर्ड ना हो, कम्प्लीटली तुमने पढ़ा ना हो, या कहीं ना कहीं पे तुमने उन्हें स्किप कर दिया हो, तो तुम मेक श्योर करो कि तुम इस वीडियो को जाके एक बार चेकआउट कर लो, तो इसमें तुम्हें सारे के सारे रेलिवेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे जो एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक्स के बेसिस पे तुम सिर्फ उन टॉपिक्स को जाके बहुत अच्छे से पढ़ लो, तो वेटेज से तुम्हें ये वाली बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और वेटेज जब तुम एक बार निकालोगे तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हमने पिछले पॉइंट में निकाली थी ये यहाँ पे और ज्यादा एलिवेट होकर निकल जाएगी। और तुम्हें यहाँ पे अब मेक श्योर करना होगा कि जो 10 सब्जेक्ट्स थे इनमें से अप्रोक्सीमेटली 8 सब्जेक्ट्स में तुम बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करो। हो सकता है अभी तुम्हारे 6 सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो, 2 सब्जेक्ट्स मॉडरेट हो, 2 सब्जेक्ट्स थोड़े से लूज चल रहे हो, उस सिचुएशन में इस वाली वीडियो को तुमको देख लेना है। उसमें से जो भी 2 सब्जेक्ट्स अब तुम्हें लगते हैं कि तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे इन द रिमेनिंग डेज, तुम उन दोनों पे फोकस करो, उस पर बहुत अच्छा कर लो। और जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा हार्डली हिट करो, बाकी जो 2 लूज सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत अटेंशन दे दो क्योंकि अब तुम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से तुम्हें नेक्स्ट चीज़ प्लान करनी है। इसके बाद थर्ड स्टेप है, मैंने यहाँ पे इस वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट अटैच कर दी है जहाँ पे हमारे जूनियर एज की फैकल्टी ने बहुत सारे क्लासेस एंड सेशंस कंडक्ट किए हैं जिसमें उन्होंने PYQs कवर किए हैं, जिसमें उन्होंने जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे जो कि एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं इन UGC लॉ डोमेन। तो तुम उन सारे के सारे क्वेश्चंस को जाके एक बार
गार्गी मैम के साथ सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें फिर से बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तुम्हें ये भी समझ आएगा कि किस टेक्निक से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन कैसे लगाना है, या वहां पे हम किस तरह से उस ऑप्शन को फिगर आउट करके निकाल दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हें इन लास्ट कुछ दिनों में करना है। और एक लास्ट बात जो कि तुम्हें पता ही है सबसे मैंडेटरी होती है, दैट इज रिविजन। देखो रिविजन तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें करना ही है, बहुत अच्छे से करना है, वो सारी चीजें हम लोग सबको पता है। मैं तुम्हें बोलूंगा यहां पे तुम सिर्फ रिविजन के लिए दो ही चीजें यूज करो, बेयर एप्स एंड योर नोट्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछने लगते हैं कि हम अवतार सिंह से पढ़ लें, मुल्ला से पढ़ लें, ये बुक्स पढ़ लें, वो बुक्स पढ़ लें। अब बुक्स पढ़ने का वक्त जा चुका है, बुक्स अब पढ़ोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, सीधा बेयर एप्स उठाओ या फिर तुम्हारे नोट्स हैं, क्योंकि नोट्स में क्रिस्प मैनर में तुम तुरंत उसको गेन कर पाओगे कि तुमने क्या लिखा था, उसका क्या रेलेवेंस था, क्या केस लॉज है, वो सारी चीजें तुम्हें वहां पे एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो सिर्फ इन दोनों चीजों को ही यूज करो फॉर रिविजन। एंड अब तुम्हें अगर हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम इस नंबर पे जो तुम्हारे सामने मेंशन है इस पे हम लोग को कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प इन योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वाला यूजीसी तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है या तुमसे क्रैक नहीं हो पाएगा या क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो इन दैट सिचुएशन तुम्हें अभी से ही दिसंबर वाले अटेम्प्ट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस दिसंबर वाले प्रेपरेशन के लिए तुम हमारे जो न्यू बैच है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तुम इसे चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम्हारे सामने QR है, QR स्कैन कर सकते हो और मैंने नंबर दे ही दिया है, नंबर पर रीच आउट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है उसे हम एड्रेस कर देंगे। तुम्हें डेमो क्लासेस अटेंड करनी है, तुम डेमो क्लासेस अटेंड कर लो, ज्वाइन कर लो। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तुम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, उसमें सारी की सारी अपडेट्स आएंगी 21 अगस्त के UGC की और दिसंबर वाले UGC की। तो इस तरह की सारी चीज़ों को तुम इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। जो भी क्वेरीज हैं उन्हें तुम कॉमेंट्स में डाल दो, ठीक है? चलो।